गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा हर वक्त पीने का मन होता है, कुछ भी हैवी खाने का दिल नहीं करता है। इसका एक जबरदस्त सल्यूशन है मेरे पास, जो आपको इंस्टेंट गर्मी से राहत तो दिलाएगा ही और हैवीनेस भी आपको फील नहीं होगी। आज मैं लेकर आई हूँ दो तरह के बनाना शेक की रेसिपी, जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और गर्मी में ठंडी और ताजगी का एहसास भी कर सकते हैं। साथ ही अगर वीकनेस फील होती है तो वो भी इस ड्रिंक के पीने से दूर होगी। तो सबसे पहले काजू बादाम, और यहाँ मैंने लिया है खजूर, इन्हें हम सोक कर लेंगे। तो इस ड्रिंक को बनाने से पहले आप 2 या 3 घंटे इन्हें जो है पानी में सोक करके रख लें, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएं और ख़ास करके बादाम का छिलका आराम से निकल जाए। और गार्निशिंग के लिए बादाम, पिस्ता और काजू को मैंने स्लाइस कट कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब हम ड्रिंक बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पहले काजू के छिलके को निकाल लिया है, किशमिश लिया है उसे भी पानी में भिगो लिया था, दूध है और बनाना को कट कर लिया है, साथ ही जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी तैयार करके रख लिया है। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काजू और बादाम का बनाना शेक हम अब बनाएंगे। तो इसके लिए काजू और बादाम को एक मिक्सी जार में डालेंगे, और क्वांटिटी आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक ही ग्लास बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और बनाना जो है मैंने हाफ लिया है, और ये अच्छे से पका हुआ बनाना है। और मिठास के लिए शुगर डालेंगे, तो शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं गुड़ या फिर हनी के साथ में, अगर आपने इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो। और ठंडा ठंडा दूध डालेंगे, बिल्कुल चिल्ड दूध डालेंगे, और आप चाहें तो आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे और ठंडा बनाने के लिए, क्योंकि ये ड्रिंक ऐसा है कि इसको जितना ठंडा पिया जाएगा उतना अच्छा, उतना मज़ा आएगी। तो इसे बिल्कुल हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पीस लेना है अच्छे से। तो ये देखिए जो है काजू और बादाम का जो शेक है, बनाना शेक है, इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। और फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलायची का पाउडर या फिर रोज़ वाटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इस वक्त आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है दूसरे तरीके का बनाना शेक, जिसमें हम डालने वाले हैं खजूर, तो देखिए कितने आसानी से जो है खजूर के बीज निकल रहे हैं, इसको हमने जो सोक करके रखा था, भिगो के रखा था, तो ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो बीज निकालने में बहुत इजी होता है, और दूसरा ये सॉफ्ट होते हैं तो इन्हें पीसने में बहुत ही आसानी होती है, ये बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो जाते हैं। साथ ही डाल रही हूँ मैं किशमिश, तो क्वांटिटी आप देख लीजिए, आपने जितनी क्वांटिटी बनानी है उस क्वांटिटी के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ अगेन हाफ बनाना, क्योंकि एक ही ग्लास जो है ये शेक मैं रेडी कर रही हूँ। और दूध डालेंगे ठंडा ठंडा। अब अगर इसमें आप चाहें तो फ्लेवर वनीला का भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो यहाँ मैं इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे और फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मैंने नहीं डाला है इसलिए, क्योंकि किशमिश और खजूर में अपना ही एक मिठास होता है, तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप चीनी या फिर शहद या फिर गुड़ इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त बढ़िया वाला आया है, खजूर के साथ जो हमने बनाना शेक बनाया है, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और ठंडा ठंडा आप इसे गर्मी में एंजॉय कर सकते हैं। ये जो ड्रिंक है, मतलब एक बार पीने के बाद आपको 4-6 घंटे तक तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। और गार्निश करेंगे काजू बादाम और पिस्ता स्लाइस के साथ में, देखने में ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग ड्रिंक है। और जब भी गर्मी सताए, आप गर्मी से बिल्कुल परेशान हो जाएं, तो इस ड्रिंक को आप ठंडा ठंडा बना करके पीजिए और एंजॉय कीजिए गर्मी को। आई एम श्योर आपकी जो भी कमज़ोरी है, थकान है, वो इस ड्रिंक को लेने के बाद यूं मिनटों में दूर हो जाएगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।